सो गाइज, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वाली प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप नाम सर्च करते हो मतलब अपना फॉलो ऑर्डर लगाने के लिए, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का एक प्रॉब्लम आता है जो कि यहाँ पे लिखा आता है कि आपका नाम मतलब ये इस नाम का यूज़र्स है ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप ठीक करने के लिए कैसे क्या करोगे ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एग्जिट अकाउंट लास्ट में मिलेगा, तो आपको एग्जिट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप एग्जिट अकाउंट पे क्लिक करते हो तो आपका ये जो अकाउंट है यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, ओल्ड मेथड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लॉग इन और इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम था एंड पासवर्ड दोनों मांगेगा, तो आपको दोनों यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों एंटर कर देते हैं। ऐसा कब होता है गाइज, जब आपकी अकाउंट ब्लॉक हो जाती है या आप कुछ ज़्यादा दिनों से यूज़ करते हो वही आईडी सेम, तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मतलब इस वाला प्रॉब्लम आने की वजह से आप क्या करते हो, अपने जो इंस्टाग्राम आईडी होता है उस पर आप अपना ऑर्डर नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार वही चीज़ आएगा तो नाम आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली क्लिक करोगे तो ये वाले ऑप्शन आएगा, लिखा आएगा योर अकाउंट हैज़ बीन टेम्प्रोरी लॉकेड, ठीक है। तो यहाँ से एक पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका जीमेल या फ़ोन नंबर कोई कुछ भी ऐड होगा तो वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। अगर आप जीमेल पर चूज़ करते हो तो जीमेल पर जाएगा, तो आप अपना जीमेल नंबर दोनों चेक कर लेना, एक मैसेज आएगा, ठीक है। मैसेज आने के बाद आपको नंबर यहां पे टाइप कर देना है एंड इसको यहां से वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पे अपना ओटीपी इंटर कर देते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे की प्रोसेस बता दें, ठीक है। तो गाइज यहां पे अब हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, आपका जो पहले वाला पासवर्ड था वो अब यहाँ पे चेंज करना होगा, ठीक है। आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप जो भी आपको अच्छा लगे जो भी, ठीक है, आप वो अपना पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। तो हमको जो भी अच्छा लग रहा है हम वो अपना पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए हम अपना पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। वो यहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर ये मैं इंटर कर चुका है एंड यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो आपके अकाउंट सिंपल से एकदम पहले की तरह लॉगिन हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख पा रहे हो आप लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। वेट, यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है कि आपका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका सिंपल से जो भी ऑर्डर है आप लगाओगे यहाँ पर, आप अपना नाम सर्च करोगे तो नाम आपका इजीली सर्च हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं नाम आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी आपका जो भी नाम है आप देख पा रहे, नीचे यहाँ पर सजेशन में आ रहा है, पहले नहीं आता था, ठीक है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहले आ रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना एंड मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना।